इंडिया के मोदी सबसे गलत आदमी है। अच्छा, मोदी ने सब कुछ बदला है? मोदी ने बदला नहीं है, वो तो क्रश कर रहा है ना सबको, एक जुर्म की तरफ उधकेर रहा है। आने वाले टाइम में थोड़ा वोट डाल के पूरा काबिल हो जाएगा। अगर वो इस तरह चांद पे पहुंच सकते हैं तो इससे जाहिर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हमारा राज बन, उनमें इत्तेफाक है, गैर मुस्लिम है ना, उनका ईमान पक्का है। आप मानते हो हिंदुस्तान की कौम हमसे बेहतर कौम है? जी वो तो बन गई है ना, वो हमसे हर चीज़ से आगे निकल गई है, हम पीछे रह गए हैं। उनकी माशरे देखे, टेक्नोलॉजी देखे, हर चीज़ से, हर लिहाज से वो हमसे आगे हैं। तो मैं 24 घंटे में से एक टाइम खाना खा रहा हूँ। कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ तलुकात बेहतर कर लेनी चाहिए, उनके साथ ट्रेड भी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए तलुकात बेहतर? जी सही कह रहे हैं, ट्रेड करनी चाहिए, इससे पाकिस्तान की मशियत में फायदा आएगा। अच्छा, माना वो जंग है वो आर्मी जाने, हमने अपने पाकिस्तान के हालात को ठीक करना, मशियत को ठीक करना है, वो जंग है वो आर्मी देखे। हाँ या हो, फिर तो सबसे आगे ये बाबा लगेगा, जा सबसे आगे बाबा लगे, पता क्यों? मैंने जिंदगी 56 बारे देख लिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ला इलाहा मोहम्मद रसूल अल्लाह, मैं शहीद हो गया ना, मुझे सरदर्दी नहीं है। वो मसला कश्मीर, क्योंकि इसकी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसको तो असल में हल होना चाहिए, क्योंकि इतने जो ना कश्मीर के इतनी खवातीन, इतने मर्द और इतने बच्चे जो ना अब तक उन्होंने जो ना वो उनको जो ना डेड बॉडी बना दिया, मसलन उनको कत्ल कर दिया है, और अभी भी ये सिलसिला जा के पैसा इज द पावर। आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत भी नहीं है, आपके पास पावर भी नहीं है, आज दुनिया में यही हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं जितने भी, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है। यहाँ पे हम मुस्लिम और ईसाई सब एक हैं, जो मुसलमान है ये आसानी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वहाँ पे उनके कठिन हालात हैं इससे भी, और आए रोज़ उनके जो ना वो हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहते हैं, यहूदियों की इनकी इसराइल की पैदावार है, और वो अपने बच्चों को कार्टून नहीं दिखाते, और वो अपने बच्चों को लेज नहीं खिलाते, और वो अपने बच्चों को पेप्सी नहीं पिलाते, और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो ना वो कार्टून के बगैर हिलते ही नहीं है, और हमने हमें फजूल कामों पे लगाया हुआ है, और अपने बच्चों को वो सिर्फ ये सिखाते हैं कि आपने मुसलमानों के खिलाफ बगावत कैसे करना। अगर मुकाबला कर सकते हैं हम, मुकाबले ऐसे नहीं होते, डेवलप कंट्री हो या ना हो, जिसका अल्लाह और उसके रसूल पे यकीन है ना, वो कभी भी मार नहीं खाता। उनके पास एजुकेशन है, उन्होंने अपने एजुकेशन पर, उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। एजुकेशन हमारे पास नहीं है, आज यार पाकिस्तान को आओ ना, लो इनसे परमिशन। एजुकेशन हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है? हमारे पास किधर से एजुकेशन? एजुकेशन है, एजुकेशन क्या होती है, मुझे आप एजुकेशन की डेफिनेशन बताएं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। इस बात को चाहे डिनाई करें, मेरे देखने वाले ऑडियंस इस बात को जरूर मानेगी कि पैसा इज द पावर। आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत भी नहीं है, आपके पास पावर भी नहीं है, आज दुनिया में यही हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं जितने भी, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है। अगर हम सारे के सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुसलमानों पे हमला कर ले। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा ऐसी बात नहीं है, आप मेरे मोहतरम में बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान के पास क्या कुछ नहीं है, एटमी पावर है ना, आज पूरी दुनिया तुर्की फलस्तीन के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं कर रहा, इसके अंदर सऊदीया अरेबिया, उसके बाद अरब कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ डिस्कस नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? पैसा नहीं है, गरीब है, दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं, यही वजह है कि नहीं? समझे आप मेरी बात, समझे कि हमारे जितने भी मुस्लिम मालिक हैं ना, सारे के सारे अमेरिका के बॉन्ड हुए पड़े हैं, डरते हैं। क्यों हुए? क्यों हुए? पैसे के लिए हुए ना? हाँ क्यों है? ये बॉन्ड डॉलर्स के लिए नहीं, ये उनके दामाद हैं, ये जो सऊदीया वाले हैं ना, ये दुबई वाले हैं, ये उनके दामाद हैं, ये उनके ससुराल है, जो बरतानिया है ना वो इनका ससुराल है, अमेरिका इनका ससुराल है, इन्होंने चार चार पांच पांच बीवियाँ रखी हुई हैं, और यहूद ने वो जो ना इनकी बीवियाँ हैं, इस वजह से ये नहीं कर रहे, और ना इन्होंने कुछ करना है। मैं आज ये कहता हूँ कि पाकिस्तान आज ऐलान करे, और आज इधर से कुछ फौजी जो ना भेजे, और इधर से कहे कि हम जो ना उसके लिए जो ना फलस्तीन के लिए आ रहे हैं, और देखना कि इसराइल की जंग रुकती है, अमरीका को भी वक्त पड़ जाएगा, और तमाम जितनी नेटो पावर हैं वो सारी रुक जाएंगी, और सारा जो ना ये जंगबंदी ख़त्म हो जाएगी, और देखना अभी करके तो देखे, इन्होंने करना नहीं है, क्योंकि ये IMF के मतहत ये लिख के दे चुके हैं कि कश्मीर के मामले पर भी हम चुप रहेंगे, भारत जो मर्जी करता रहे हम चुप रहेंगे, और जो ना अगर किसी मुल्क पे ऐसा मसला होता है आपने ये नहीं करना ये सारे, और ये कर्ज लेके खाते कौन है, हमारे जो वजीर मशीर हैं ये ख़त्म करें इनको, इनकी गाड़ियाँ, इनकी सहूलतें, इनके सारे जो ना मरात इनको जो दी हुई हैं वो ख़त्म करें, और वजीरों को कम करें, और आने वाली गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ चंद मखसूस वजीर बनाएं, और ये सारे अखराजात हमारे गरीब आवाम के टैक्स पड़ रहे हैं, ये सारे वो लूट के जा रहे हैं और खा पी रहे हैं, मौजे उड़ा रहे हैं, और उन्होंने कुछ नहीं करना। आपने कहा मेरी बात सुने, मेरे बड़े हैं आप, मेरे मोहतरम भी हैं, आपने कहा कि हम IMF से हमने लिया हुआ सिग्नेचर करके, आज के टाइम के अंदर हमारी पूरी कौम, ये बच्चा भी 25 लाख का कर्जाई है, पैदा होने वाला बच्चा भी पाकिस्तान का कर्जाई है,
मेन मेरी बात वहीं पर है, पैसा इज द पावर। आपके पास पैसा है तो आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, आपके पास एजुकेशन है तो, आपके पास नॉलेज है तो, आपके पास इलम है तो पूरी दुनिया की चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। इसराइल देख ले, इसराइल अपने छोटे बच्चे को 7 साल के बच्चे को क्या पढ़ाता है, इखलाकियात सिखाता है, क्या हमारी